दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पांवटा साहिब में बीती देर शाम दो अलग अलग मामलों में एसआईयू की टीम नाहन व पांवटा पुलिस थाने की टीम ने बहराल बैरियर पर नाके के दौरान एक युवक से 20 शीशी नशीली दवा के सिरप बरामद किए व दूसरे युवक से 672 ग्राम भुक्की बरामद की है। जानकारी के अनुसार एसआईयू की टीम नाहन ने बहराल के पास लाल ढांग में नाका लगाया था। इस दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित दवाई की 20 शीशी बरामद की गई। वहीं दूसरे मामले में पांवटा थाने के एचसी ओम प्रकाश और पीएस पांवटा साहिब की टीम ने एनएच 907 यमुनानगर पर बहराल बैरियर के पास पांवटा साहिब तक एक नाका लगाया था, जिसमें मोटरसाइकिल चालक राम अवतार निवासी टोक्यो व मोहित कुमार निवासी माजरा की तलाशी के दौरान एक पॉलीथीन कैरी बैग में से भुक्की बरामद हुई। इस दौरान मौके पर डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने खुद पहुंचकर कार्रवाई की। बता दें कि पांवटा के डीएसपी वीर बहादुर द्वारा नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है, वो जिसके चलते नशे कारोबारियों के खिलाफ खुद कार्रवाई कर रहे हैं। मामलों की पुष्टि डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने की है। आज पुलिस स्टेशन पांवटा के अंतर्गत बहराल बैरियर जो कि हिमाचल प्रदेश को यमुनानगर जिला हरियाणा प्रदेश के साथ जोड़ता है, तो वहाँ पर स्थानीय पांवटा साहिब थाने की पुलिस ने दो व्यक्ति जो कि माजरा क्षेत्र के रहने वाले हैं उनसे 672 ग्राम की बरामद की है और उस पर मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी कड़ी में विशेष अन्वेषण शाखा नारकोटिक्स जो कि हमारे जिला सिंगोर से संबंधित है, तो उनकी टीम ने भी वहीं पे ही बहराल बैरियर से थोड़ा आगे जाकर लाल ढांग नामक जगह पे एक व्यक्ति जो कि सहारनपुर का रहने वाला है उससे 20 नशीली शीशियां बरामद की हैं और अभी उसमें भी एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगामी अन्वेषण उसमें जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।